हाय एवरीवन, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल मार्केट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है और अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट है, और अगर आपके पास कोई ब्लॉग या वेबसाइट है और उस ब्लॉग और वेबसाइट पे गूगल का एड्स दिखाना चाहते हैं तो आपको होस्टेड एडसेंस अकाउंट से नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट में चेंज करना होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मार्केट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल मार्केट। तो मैं बात कर रहा था, अगर आपके पास कोई ब्लॉग है या वेबसाइट है और आप उस ब्लॉग पे वेबसाइट पे गूगल का एड्स दिखाना चाहते हैं तो आपको होस्टेड एडसेंस अकाउंट से नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं और एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड हो जाता है तो यहाँ पे जो अकाउंट आपको मिलता है वो होस्टेड एडसेंस अकाउंट होता है। होस्टेड एडसेंस अकाउंट को नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास वेबसाइट होना चाहिए एक अच्छे डोमेन का, like .com.in या .co.in, .net या .org। फॉर एग्जाम्पल xyz.com, xyz.in, abc.com, किसी भी तरह का एक अच्छे डोमेन का वेबसाइट होना चाहिए। सब डोमेन वाली ब्लॉग या वेबसाइट से आप होस्टेड एडसेंस अकाउंट को नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग बनाते हैं, जो कि ब्लॉग स्पॉट भी गूगल का प्रोडक्ट है, अगर आप यहां से भी एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं और आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड हो जाता है तो इस केस में भी आपका जो भी एडसेंस अकाउंट मिलता है वो होस्टेड एडसेंस अकाउंट होता है। तो अगर आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड है ब्लॉग स्पॉट से और आप किसी दूसरे ब्लॉग या वेबसाइट पर एड्स दिखाना चाहते हैं तो आपको इस केस में भी होस्टेड एडसेंस अकाउंट को नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आप किसी दूसरे ब्लॉग या वेबसाइट पे एड लगा सकते हैं। अगर आप एक अच्छा डोमेन बाय करना चाहते हैं अपने ब्लॉग के लिए या वेबसाइट के लिए तो आप .com डोमेन बहुत ही कम प्राइस में GoDaddy से बाय कर सकते हैं। GoDaddy से .com डोमेन किस तरह से बाय करेंगे इसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, अगर आप डोमेन बाय करना चाहते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं क्या पूरा प्रोसेस है होस्टेड एडसेंस अकाउंट को नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि आप किसी दूसरे ब्लॉग या वेबसाइट पे गूगल का एड शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल एडसेंस पे लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में आप यहाँ देख सकते हैं माई एड्स, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे में देख सकते हैं अदर प्रोडक्ट्स, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां देख सकते हैं आई विल शो एड्स ऑन, यहां पे आपको अपने वेबसाइट का एड्रेस डालना है जो आपके वेबसाइट का ब्लॉग का एड्रेस होगा। इससे पहले आपको अपने ब्लॉग पे लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में व्यू ब्लॉग, आप इस पे क्लिक करेंगे। और यहां से आप अपने ब्लॉग का वेबसाइट का एड्रेस जो है आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब आपको एडसेंस में इस जगह पेस्ट करना है।
यहाँ पे आपको www डॉट उसके बाद आपका जो एड्रेस होगा आपके ब्लॉग का, आपकी वेबसाइट का, उसके बाद आप डॉट उसके बाद आप डोमेन देंगे, जो भी आपका डोमेन होगा लाइक .com या .in या .co.in। वैसे आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको सिर्फ www डॉट देना है, उसके बाद आपको एड्रेस देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। उसके बाद आप अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड पे आ जाएं। ब्लॉगर डैशबोर्ड में आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं थीम का एक ऑप्शन है, आपको इस थीम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट HTML, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना है हेड टैग। उसके बाद आप दोबारा एडसेंस पे आ जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी कोड, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस कोड को कॉपी करने के बाद अभी आपने ब्लॉगर में जो फाइंड किया था हेड टैग, हेड के नीचे उस कोड को पेस्ट करना है, तो सिंपली आप कंट्रोल वी करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हेड के नीचे जो अभी आपने कोड कॉपी किया था एडसेंस से, वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे, यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं सेव थीम, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक आपको ऊपर में मैसेज दिख रहा है, एरर का मैसेज दिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस एरर को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपने जो अभी कोड एडसेंस से कॉपी किया था और हेड के नीचे पेस्ट किया था, उसमें आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रिप्ट के बाद ASYNC उसके बाद स्पेस है और SRC इक्वल टू है। आपको सिर्फ क्या करना है कि ASYNC के बाद जो स्पेस है उस स्पेस को हटा देना है, डिलीट कर देना है। आपको कुछ इस तरह से करना है ASYNCCSRC, जो स्पेस था उस स्पेस को रिमूव कर देना है। स्पेस को रिमूव करने के बाद दोबारा आप इसे सेव करेंगे, सिंपली आप सेव थीम पे क्लिक करेंगे। जब आप दोबारा सेव करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई एरर शो नहीं हो रहा है। सेव करने के बाद दोबारा आप गूगल एडसेंस पे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी कोड के जस्ट नीचे आपको टिक करना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव पोस्टेड द कोड इनटू माय साइट। उसके बाद आप यहाँ डन देख रहे हैं, आपको डन पे क्लिक करना है। जब आप डन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप एक मैसेज देख सकते हैं, दिस यूजुअली टेक्स अप टू 3 डेज बट इन सम केसेस इट कैन टेक ए बिट लॉन्गर, वी विल ईमेल यू व्हेन एवरीथिंग इज रेडी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं माय साइट्स, आपको माय साइट्स पे क्लिक करना है। जब आप माय साइट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का साइन, आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड ए न्यू साइट्स, अभी आपने जो वेबसाइट को
ऐड किया है उसी वेबसाइट को यहाँ पे आपको ऐड करना है। सिर्फ आपको www जो आपने लगाया था स्टार्टिंग में उसे आपको नहीं लगाना है। इससे पहले मैंने डाला था www.mskttutorial.com। अब आपको यहाँ पे www.mskttutorial.com नहीं डालना है, सिर्फ आपको mskttutorial.com डालना है। आपका जो भी एड्रेस होगा वेबसाइट का उसमें www को हटा करके बाकी जो है आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड साइट्स, आपको ऐड साइट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में एक एरो बना हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाइड साइट, आपको यहाँ पे इसे ऑन करके रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक टिक का साइन बन चुका है और आपने जो अभी ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। इतनी चीजें करने के बाद अब आपको गूगल एडसेंस की तरफ से ईमेल का वेट करना होगा कि अभी आपने जो वेबसाइट को ऐड किया है ये वेबसाइट वेरीफाइड होता है या नहीं होता है। अगर आपका वेबसाइट वेरीफाइड हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आप अपने वेबसाइट पे गूगल एडसेंस कोड को एड्स को किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, किस तरह से दिखाएंगे, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर करें और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।